हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो है 19 अप्रैल है, आज मेरा मैरिज का 3रा साल हो गया, मतलब थर्ड मैरिज एनिवर्सरी है मेरा। तो अभी मैं देखिए रेडी हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। वैसे प्लानिंग था मंदिर जाने का, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। और अगर अभी नहीं गए तो शाम में तो ज़रूर जाना है। तो और इस बार का एनिवर्सरी जो है, मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर वो होते तो और भी मज़ा आता, और भी अच्छा लगता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी फटाफट से जैसे तैसे मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। और बाबू भी अभी रेडी नहीं हुई है, देखिए बदमाशी कर रही है यहाँ पे। तो जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, पहले पूजा करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है नहीं बनाना है। तो मिलते हैं जल्द से जल्द, ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी मैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, फ्री होके बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे बाबू के, उसे भी मैं जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ इसे, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही करना था लेकिन मैंने किया नहीं था, फटाफट से मैंने नहा लिया क्योंकि बाबू उठ जाते तो फिर मैं नहीं कर पाती। यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए ऑब्वियसली। तो फिलहाल यहाँ रोस्ट कर रही थी मैं दलिया बाबू के लिए, क्योंकि सुबह में उसे दलिया देना होता है, नहीं तो दाल। तो फिर रोस्ट करके मैं उसे बना लूँगी। उसके बाद मैंने एक साइड से चढ़ा दिया था कुकर में बॉईल होने के लिए, आलू और कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, भिंडी का भुजिया बनाऊँगी। तो उसे भी बॉईल कर दिया। उसके बाद मैंने साइड में चाय चढ़ा दिया था पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में टी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ कटहल भी हमारा हो रहा है, मतलब कटहल कहते हैं, भिंडी भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ और बीच बीच में बाबू को भी थोड़ा बहुत देखना है। यहाँ कटहल और आलू दोनों बॉईल हो गया, तो मैं फटाफट से आलू को, मतलब ज़्यादा आलू तो मैंने नहीं दिया था, वही 5-6 आलू थे, और उसे छिल ले रही हूँ। और कटहल जो बॉईल किया था उसे भी मैंने, उसका जो पानी रहता है ना, वो उसे अच्छे से बड़े वाली छन्नी में उसे छान लिया था और थोड़ा बहुत हाँच से जो है ना वो उसके पानी को निचोड़ दिया था, ताकि वो जो फ्राई करे ना तो मतलब उसमें पानी नहीं रहे, ग्रेवी में जब उसे डालेंगे ना तो वो पानी पानी सा ना लगे खाने में। तो उसे अच्छे से पानी को निचोड़ देना है कटहल के, आप इस तरीके से बना के बनाना, बिल्कुल मटन की तरह लगेगा सब्जी, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा कटहल। उसके कटहल फ्राई करने के बाद मैंने आलू को भी थोड़ा फ्राई कर लिया था उसी बचे हुए तेल में अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला का, खड़ा गरम मसाला का फ़ौरन, और तेज़पत्ता और जीरा के साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, थोड़ा सा हींग भी। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज जब हल्का भुन गया, रेड हो गया हल्का सा, तो फिर उसमें टमाटर मैंने नहीं दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और जितने सारे मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, किचन किंग, और ये सारा डाल के अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने कटहल को भी डाल के भून लिया था। सारा कुछ बन के रेडी हो गया, अब सिर्फ पूड़ियाँ बची हैं, इसे भी मैं फटाफट से तल ले रही हूँ। तेल डाल दिया इसे गर्म होने के लिए, तब मैं लोई बना के बेल लूँगी। सारी पूरियां मैंने तल ली है और हमारा खाना जो है बनके रेडी हो गया, और मैं अब जा रही हूँ पापा जी के लिए, फटाफट से खाना निकाल दे रही हूँ, लेट भी बहुत हो गया था और बाद में फिर सफाई भी करना था किचन का, तो उसे भी मैं अच्छे से पोछ ले रही हूँ। स्लैब वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब जब थोड़ा हैवी खाना बनता है ना, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है, तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
यहाँ पे फाइनली मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं मंदिर जाऊँगी सुबह में। एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाया था ना, मतलब नहीं हो पाया था जाना, तो शाम में जा रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जा रहे हैं, क्योंकि वो भी आ गई थी। बहुत बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने दिया था, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं था उनका आने का। और वो जब आई तो सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो रेडी हो गए हैं, अब निकलेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए मेरी बेटी को, जब तक मैं तैयार हो रही थी, ये सारा डब्बा में जितना रबड़ था वो सारा निकाल के फेंक दी थी। ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, मतलब ज़्यादा कहीं बस मंदिर ही जाना था और कहीं पे नहीं जाना। हेलो बोलिए। हेलो। मैं इस मंदिर में जो है ना, मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इनके मैंने अपने हस्बैंड के साथ आई थी, शादी के 2-3 दिन के बाद ही, और आज जो एनिवर्सरी है तब आई हूँ। तो यहाँ पे ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे शादी भी होती है। देखिए यहाँ पे शादी हो रही है, दो दो शादी उस दिन हो रही थी। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी, मेरी सिस्टर इन लॉ जब आई थी तो मैं सोची थी वह वीडियो बना लूँगी, लेकिन नहीं बन पाया था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए।